बात तुमको सच्ची बता दी, ये बात ऐसे नहीं ऐसे, बाकी दुनिया का काम है, दुनिया के काम में सत्संग में जाता है, आदमी आता है, चाहे इससे कोई सवाल नहीं। समझो मेरी बात को मैंने क्या कहा है? तो आज आप लोग आए थे, मैंने अभी करी है कोई करो बड़े भागे कोई बेरला प्रेमी तेने ये न्यामत मिले धकाए। कोई किस्मत वाला प्रेमी होती है जिसको लगन होती है, मुझे लगन थी बचपन से, अब मैं पहुंच तो गया मगर वहां ठहरा, मुझसे भी नहीं जाता। सच्ची बात आपसे जानता आगे राधा स्वामी कहते सुनाए ये आरत कोई गोरे मुख गाए। तो आप लोग आए हैं, मैं निमरा तो तेरा मेरा कोई कर्माचारी नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। परमाश के साथ ही तो मेरे साथ संबंधित हुई कि नहीं हुई, तो इसलिए मैं अपना फर्ज आज पूरा किए देता हूँ। गुरु तेरे अंतर रहता है, होशियारपुर नहीं रहता, ना मेरे देह गुरु है। गुरु ज्ञान समझ और विवेक का नाम है, क्योंकि वहाँ सुख नहीं जाती, इसलिए उसका एक रूप माना पड़ता है। जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है तो अपने किसी गुरु का, उसको मत समझा करो कि वो फकीर चंद है या बाबा सावन सिंह है, या उसको ये समझा करो कि वो परम तत्व का रूप है। जैसे दाता दागर स्टैचू है ना, हम ये तो नहीं समझे ये पत्थर है, ये तो ख्याल नहीं आता ये पत्थर है। ऐसे ही जो रूप तुम बनाते हो किसी का बनाओ, उसको ये मत समझो कि वो राम है जो जैसे के घर में पैदा हुआ, या कृष्ण है जो गोकुल में पैदा हुआ, फकीर चंद है जो हिसाब कर, ये नहीं, उसको पूर्ण मान। सब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा गुरु मरा हुआ ना, तो इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा साधन जो है, अगर नहीं भी तुम्हारे शब्द प्रकाश खुला, चूंकि तुमने उस रूप में शब्द प्रकाश को माना हुआ, हो सकता है तुम्हारा कल्याण हो जाए। हो सकता है तुम्हारा कल्याण, क्योंकि तुमने माना हुआ उसको कि वो शब्द और प्रकाश रूप है। तो जो तुम गुरु के रूप को मान समझो, बाबा सामर सिंह है, फकीर चंद है, तो तुम्हारा लाख धोके मर जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होता। हाँ, दुनिया मिल जाएगी तुम्हें, सिद्धि शक्ति आ जाएगी। इस वास्ते गुरु को मान जानते ये नरकीय अंग, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन, गुरु किया है देह को सदगुरु छीना न कहे कबीर सादास को तीन ताप करना। ये मैं साफ बयान किस लिए करता हूँ? ताकि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनको अज्ञान में न रखूं, उनको धोखे में नहीं रखना चाहता। अगर मेरे ही रूप देखते हो तो उसको मत समझो, वो जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो मेरा है। मैं तो हल्फिया बयान कर लो, मैं कहीं नहीं जाता, उसको पूर्ण मान, तुम्हारा काम बन जाएगा। मैंने रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया, कोई मुश्किल नहीं। मन के अंदर तरह तरह के ख्याल, इनको ये समझ लो कि ये माया है, ऐनी कल्पना है, बस इतनी बात है, ज्यादा आपको चढ़ने की बात है। तो तू आई है मेरे पास बेसी सिवाय शुभ भावना की बात कुछ नहीं, तुम मुझे मुंबे बुलाना चाहती है, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मैं अगर सेहत रही तुम्हारे अपने से कितना रुपया खर्च करोगी, अपनी जिम्मेवारी आप देखो पकड़ दीजिए, मुझे नहीं पता। मेरे दम में कोई पाप नहीं है, तुम लोगों को किसी को मैंने धोखा नहीं दिया, किसी को मैंने हेरा फेरी नहीं की, किसी को अपने जानने बताने की कोशिश नहीं की, सच्ची बात बता दी। तो आज सत्संग आया था, हम इस दुनिया में तुम लोग आते हो, हम एक दूसरे के ऋणी हैं। ये गोपाल दास है, मुझे याद है 30 साल हुए मेरे मकान में आया, मेरी औरत बैठी हुई थी। मैंने कहा भगवान ये आगे पहली दफा मेरा, मैंने कहा पीछे जन्म का लेना देना है, इसे देना है, यह आ गया है सेवा करेगा। आज देख लो इसने उसकी भी सेवा की, अब इसके बाल बच्चे हैं, मेरे लड़की है उसकी सेवा करती है, तो क्या है देना लेना, मेरा अहमदास है।
देना है ना पिछले जन्म का, हम एक दूसरे से ऋणी है। तो मैं ये असूल रखता हूँ कि खुशी से अगर मेरे दिल में आका जज्बा किसी को देने का मैं दे देता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ मैंने इसका पिछले जन्म का देना था। मेरे पास कई आते आदमी होते हैं कुछ चीज अपने आप खुशी से, इसका मतलब मैंने पिछले जन्म का देना था। अगर मैं ये ख्वाहिश हूँ कि ये मुझे दे और फिर मैं उसे, वो मेरा कर्म बन जाएगा, वो मेरा कर्म बन जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी गरज रखी कि नारायण दास मुझको ये दे दें या आप मुझको दे दें। उसके लेने के लिए मैंने चंद बातें की, वो जो मैं ख्वाहिश करके तुमसे लूंगा वो मेरा कर्म बन जाएगा। स्वाभाविक अगर कोई शख्स प्रेम से कोई चीज स्वाभाविक देता है, नहीं समझ में आती है, वो तो पिछले जन्म का लेना देना पड़ता है। ये नुकता है, मुझे बयान करना नहीं आया, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसको समझो। जो काम हम स्वाभाविक खुशी से किसी को देते रहते हैं वो हमारा पिछला कर्जा खत्म होता है। अगर हम गलत के लिए कोई काम करते हैं तो फिर वो हमारा बन जाता है, कर्म बन जाता है। तो हम एक दूसरे में तुम लोग आते हो दुख सुख आते रहते हैं, बाकी निर्मला भेजी घरों में शांति रखा करो। बता देता हूँ तुमको, कोई पुत्र नहीं, कोई नूह नहीं, कोई खत्म नहीं, कोई प्राणी, कोई चाचा, ये तो चार दिन का खेल है। जब तक तो खेल है बेटी खेल खेलो, अपना ये ख्याल रखो कि हाँ जब मैं जहाँ के रहने वाले नहीं है, ये तो चार दिन की जिंदगी है, आज गए कल गए परसों गए चल जाने आपकी कर दे। चूंकि मेरे जुम्मे दाता दाल ने ड्यूटी लगाई थी कि फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना, अब मैं क्या तालीम बदलूं? जो शख्स इस संसार के चक्कर से बदलना चाहते हैं कि उनको जन्म मरण से बचना चाहे, उनको कहना चाहता हूं कि इन मन और रूप और शक्लों से जब तक तुम नहीं निकलोगे जब तक तुम्हारा आवागमन खत्म नहीं होगा। बस ये है बात जो मैं कहना चाहता हूं। ये जितना खेल है ये सब तुम्हारे माया और काल का है। इसमें बड़ी तुम्हारे मन में बड़ी भारी शक्ति है, तुम्हारे मन में बड़ी भारी ताकतें हैं, मगर जितना ये खेल तुम्हारा मन का है ये सारा करने से, सिद्धि सिद्धि करने से, बाबे वकील के तुमको अंदर दर्शन होने से या राम के दर्शन होने से, कृष्ण के दर्शन होने से, अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। समझना परिवर्तन दास, तू मेरा यार दोस्त है, मैं कहना है तू मुर्खे नाम है, मैं ही मुर्खे नाम आ रहा, ये भी ना आवे, मेरा सखा भी ना आवे, जेडे पुराने पुराने सत्संगी ये ना आवे, मैं ये चाहना। ये दुनिया सुख है कि बुरा है ना मनी, कोई सुखी है तो मैं बस बुढ़ापा आ जाता है, दुर्गा दास ने आना जो कहना मैंने फिर छाती पी होगी फिर आ जाऊंगी। इस दुनिया में सुख कहीं नहीं है बिल्कुल, आज जो अगर सुख है भी तो चंद दिन का है, थोड़े दिन का है, कोई ऐसी बात नहीं। तो दो मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग है, एक विवृत्ति मार्ग। संत निवृत्ति मार्ग की तालीम देते, तो निवृत्ति मार्ग क्या था, वो क्या तालीम देते हैं पढ़ो, हाँ वो भी सुना देता हूं। वो जो सूक्ष्म हमारा सेल्फ है उसका वजन कितना है, यही पढ़ के सुना दो। हाँ कबीर साहब ऐसा हूँ, ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं के वेद कथा गंभीरा लो, बाहर कहूँ तो सतगुर लाजे, भीतर कहूँ तो झूठा लो। गुरु ने हुक्म दिया मुझे आपकी सेवा करो, आपकी सेवा करने से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या दीजिए आगे पढ़ो।
दृष्टि नमोष्टि नयगमय गोचरे पुस्तक लिखा न जाइलो जिन पहचाना तिन भल जाना कहन को पते आइलो बिन चले जल मार्ग जो वे परम तत् धाम कैसा लो। मैंने आपको बोला ना कि तुम लोगों की दया थी मैं इस तथ्य को समझने के काबिल बना सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता मेरी जिंदगी का तख्ता बदल गया। कोई महात्मा जी तुमको ये बात कहता है बताओ? सब तुमको अपने दार में फेंकते हैं। पागल शख्स मैं हूं जिसने इस सच्चाई की आवाज दी। कहा तो संतों ने भी मगर उन्होंने इशारे से कहा, मैंने इशारा नहीं किया, मैंने झंडा हाथ में दे दिया। यही बात बाबा सावर सिंह कहा करते थे, और तुझे मेरी गाली मंदे को डंडे मारने वाला आ जाऊंगा। मैं वो डंडे मारने वाला तो क्या कहना पे, अगर तुम आवागमन से बचना चाहते हो तो तुमको रूप रंग रेखा सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। आगे होते कछु परम तत्लो परम तत्व जो वो परम तत्व की अहम अंश है। तुम अंश हो, तुम अंश हो, तुम अंश हो। हम वहीं से आए हैं, अकाल पुरुष से आए हैं, अनामी धाम से आए हैं, परम तत्व से आए हैं। हमारा रूप भी वही है, असली रूप जो है वो वही है जो फूल की खुशबू से भी कम है। इसका मैंने आपको सबूत दे दिया। कैसे कहता हूं, जब से पता लगा कि मैं तुम्हारे अंदर जाता मैं नहीं जाता तो मैं प्रकाश शब्द को देखता हूं, प्रकाश में रहता हुआ शब्द को सुनता हुआ उस चीज की तलाश करता हूं जो प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है। वो मैं हूं, वो तुम हो, वो है इतना सूक्ष्म। अब जिसने देखा, मैंने देखा, मैं देखता हूं तब मैं कहता हूं ना, और आपने देखा ही आप मानेंगे नहीं। तो आज चेत महीना है, चेतावनी देना चाहता हूं क्योंकि मैं संत सदगुरु वक्त चेतावनी दे तो चेतावनी वही है जो स्वामी जी दे गए। मैंने बात को साफ करके बता दिया, हेरा फेरी नहीं की, खुला बात कर दी। जो बचना चाहते हैं बचे, जो नहीं बचना चाहते हैं ना बचे। पढ़ो चेत महीना आया चेत बांधा सत गुर भा भाव में सेठ क्या, ये सेठ है, ये सेठ है, सेठ के पुल को, ये पुल है सत्संग। आगे जे वचेताए जो थे वारे भाव सागर से कीने पार, कैसे पार हुए? चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? दादा ने मुझे कहा था, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बगाना, यहाँ सब बगाने बसे कोई नहीं जगाना। है तो अपना देश, बताओ सही हम लोग करते क्या, जरा सोचे तो सही। किसी को ख्याल आता है कि हमें मर जाना है? हमने दुनिया को हमेशा दायम काम समझा। हमारा प्रेसिडेंट मर गया, अब दूसरे हैं, ये जानते हैं कि लोग मर रहे हैं, फिर देख लो ये पॉलिटिकल पार्टियां कितना उपद्रव कर रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं ये दुनिया में। इनको मौत याद है? उनको छोड़ो, हमको मौत याद है? बिल्कुल नहीं। आगे भाषा गहरे गंभीर सत गुर पूरे बांधे धेरे। भाव सागर क्या है ये तो पता होगा जिन्होंने, मैं भाव सागर समझता हूं मन शरीर
मानसिक और आत्मिक जितने अथाथार्थ फीलिंग ऑफ लाइफ है, अथाथार्थ जिंदगी जितने हैं, ये सब भव है। लाइफ जिंदगी भव है और हस्ती भव से पार है। जीवन हमारा ये भव सागर में है, क्योंकि दुख सुख हमें इसमें होता है, जिंदगी में होता है। जब हम जिसम मन को छोड़ के वहां चले जाते हैं, वहां ना दुख है ना सुख है, वो तो अपने शांत अवस्था अपने घर की है। इस वास्ते भाव सागर में ये है, भाव सागर में आके सतपुरुष कहते हैं भाव सागर बड़ा गंभीर है। कितने ऐसा साथ हमारे हैं, कितने ख्याल हमारे हैं, हम फंसे हुए हैं। इसमें से कौन निकालता है? गुरु। कैसे निकालता है? सत्संग करा के। कैसे निकालता है? सत्संग करा के। रात में मत में जिंदा गुरु के सिवा किसी को नहीं माना। जिनके अंदर भगीजन का रूप प्रकट होता, मेरा सत्संग नहीं सुनते, वो भवसागर में फंसे हुए हैं। क्योंकि जो रूप उनके अंदर प्रकट हुआ, वो मैं तो गया नहीं, वो तो उनका अपना मन है। इस भवसागर में अच्छाई भी है, इस भवसागर में बुराई भी है, आनंद भी है, सचित आनंद तीनों चीजें इसमें हैं। इस वास्ते मैं मजबूर हो गया राज मत को मानने के लिए। वो कहते हैं जो कुछ है जिंदा गुरु मुर्दा गुरु, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कैसे करेगा? मुर्दा गुरु ने तनु, अरे मैं तनु जो कुछ कह रहे हैं दर्दनाक कह रहे हैं, असानू बेवकूफ बनाया गया। कोई राम कोई कृष्ण कोई देवी कोई देवता किसी के अंदर नहीं आता। जिस किस्म का ख्याल सजेशन इंप्रेशन इंसान के दिमाग में पड़ा हुआ वो उसके सामने आता। ये है क्या? इस दशा को देखकर मैं आया हूं अनामी धाम से इंसानी नस्ल को कहने के लिए। क्या इंसानी नस्ल? तू अपने आप को जान। क्यों मधुमेह में पड़ गया? अब क्या हो रहा है इस मधुमेह की वजह? लेबनान में क्या हो रहा है? इसराइल और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इसराइल और अरबों में क्या हो रहा है? यहां पाकिस्तान में क्या हुआ? क्यों हुआ? हजरत अली आता है जी, राम आता है जी, हनुमान आता है जी। इसी वहम में आकर हम इंसानी नस्ल को आपस में बांट दिया और हम अज्ञान में आकर एक दूसरे के सिर काटने बजा रहे। इस दशा को देखकर के मैंने मेरा दिमाग हेरा और मैं सत्संग दर्द दिल से कराता हूं। मैं किसी के बर्खिलाफ नहीं हूं, ये सच्चाई है जो मैं बयान कर रहा हूं। आगे बढ़ो। तन मन धन की ले जगाते शेष उतारे गह करे हाथ। अब लोगों समझा तन मन धन की जुगात ले हो। जुगात कहते मसूल नू फूल टपना आवे ना चुंकी दंदे ना फूल वाले नू वो जुगात कहने। अब इन लफ्जों के मैंने समझे दुनिया ने ये समझा हुआ है कि तन मन धन गुरु दे दो। तन तो दे दो, बाल बच्चे नू छर दो भूखे मर जान, गुरु जी लता जाके तो बांधे रहो। ये तन देना ये समझते धन जो कुछ कमाया गुरु बाबे फकीर दे दो। ये गलत। अगर धन देने से ये चीज मिलती जिससे तो लोग समझते हैं तो ये बड़े बड़े अमीर ले जाते। तन धन देने का मतलब ये है कि तुम अंदर में जब अभ्यास करते हो तन को भूलो मन को भूलो और धन के अपनी जायदाद के ख्याल को भूलो। जब अभ्यास में इन तमाम चीजों को भूल जाओगे ये है गुरु के तन मन धन गुरु को देना। समझ रहे हो महाराज? कोई आजकल दुनिया में जुल्म हो रहा है। एक शब्द है ना,
गुरु को बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन नामा राम है जय पूछो वेद पुराण उन्होंने जोड़ा दाना सब गुरु नु दियो गुरु नाम है ज्ञान का समझ का जो कुछ तुम किसी को देते हो सोच समझ के साथ दो ये कहना चाहता हूं मैं तुमको बात सच्ची कहता कोई झूठ नहीं तो तन मन धन की जुगाद कब आएगी जब तुम अभ्यास करोगे गुरु तुमको नाम देगा क्या बोलेगा प्रकाश और शब्द को पकड़ यही बोलता है ना नाम है और है क्या सनातनी भी यही कहते हैं उसको पकड़ तो जब तुम उसको पकड़ने की कोशिश करोगे क्या होगा तन भी जिस्म को भी भूलोगे मन को भी भूलोगे और दौड़ द्वारा जितना है इसकी भी कोई ख्याल नहीं करोगे ये है तन मन धन देने का रवाज समझ गए मेरी बात को आगे सूरत बहे थे नाव की धारे ताहे चढ़ाया गगन मझारे ये अब अभ्यास आ गया बिल्कुल आसान है अभ्यास मगर किन के लिए सच कहूं जिनकी मानसिक और शरीर ब्रह्म चल चुका है दूसरा इस रस्ते में नहीं चलता बिल्कुल लाख रुपए की बात मेरा अपना जीवन मेरे सामने मेरे पास सत्संगी आते हैं जब तक इंसान का विषय विकार का जीवन कम नहीं होता वो मैं इसी वास्ते नाम नहीं किसी को देता क्यों नाम की अधिकारी नहीं है स्वामी जी की शर्त यह है विषयों से जो हुए उदासा परमारस की जामन आशा धन संतान प्रीत नहीं जाके खोजत प्रेसाद गुरजागे ये शर्त है पहली जिसको नाम मिलना चाहिए आजकल हम गुरुओं ने तुमको नाम नहीं दिया अपने नाम के लिए हजारा चेले बनाए अच्छा कबीर साहब की बानी पढ़ो वो कहते हैं करने दीदार महल में प्यारा है ऐसा शब्द है काम क्रोध मद लोभ विचारो शील क्षमा से संतोष को धारो चर ज्ञान खोरे अधवार का भरम से न्यारा है दूसरे शब्द में लिखते हैं चोरी जारी मिथ्या त्यागो ऐसे ऐसे शब्द हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि अनधिकारी को नाम देना नहीं चाहिए उसे कुछ फायदा नहीं होगा उम्रें गुजर जाएंगी शर्त तो नामदान की यह है कि विषयों से दस दस बच्चे वर्ष के बच्चों को नाम दिया जाता है शब्द अभ्यास उन्होंने जिंदगी गुजारनी है लड़के वो कैसे तुम उम्मीद कर सकती हो कि उनको शांति मिलेगी जो उस घर में जाएंगे जो गलत तालीम गलत बच्चों के लिए और तालीम जवानों के लिए और तालीम बूढ़ों के लिए और तालीम बच्चों के लिए पहले उनको बढ़ाओ बढ़े ब्रह्म बने जब दुनिया में उनको वैराग हो जाएगा तब ये नामदान है दुनिया के लिए सारी दुनिया के लिए नामदान नहीं है जो गलत बस ये मैं आपको बता दे आप लोग मेरे पास आते हैं मैं आपको तरीका बता रहा हूं सबसे पहले अपने बच्चों के करैक्टर का ख्याल रखो विषय विकार का जीवन है ना अगर तो माँ बाप आप हम मुझे में मेरे पास कई आदमी आते हैं बच्चों को हमारा बच्चे का खराब हो गया मैं पूछता हूँ तुम बताओ तुम खराब नहीं हुए अगर तुम्हारा बच्चा खराब हो गया तो रोते क्यों हो पीटते क्यों हो तुमने जो कुछ किया हुआ वो करो बात सच्ची कहता हूँ इसमें कोई लुवाई नहीं मेरे सपने से मैंने एक लड़का इस ख्याल से पैदा किया मुझे आज दिन तक कोई शिकायत नहीं है इस वजह से मैंने तालीम को बदला है कि अगर तुम पार जाना चाहते हो दुनिया से तो भाई सिर्फ प्रकाश और शब्द को पकड़ो बस और अगर दुनिया में रहना चाहते हो तो अपने मन के ख्याल संकल्प को ठीक करो
ये है सत्संग जो मैं देना चाहता हूँ, मेरे जिम्मे ड्यूटी है। कई दफा सोचता हूँ मेरे मित्रों बेवकूफ तू पागल हो गया, तेरी बात को सुनेगा कौन? मैं जानता हूँ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। 1971 में जब इलेक्शन हुई थी तो मैंने एक पैम्फलेट निकाला था, आपको याद है, कि ये जो नफरत हुई इसका क्या नतीजा निकलेगा। वही हुआ, बच्चों ने तारें खींची, घेराव हुए, हड़तालें हुई और इमरजेंसी लगी। अब ये जो कुछ हुआ है आपने देखना इसका नतीजा क्या निकलेगा आगे। इस दुनिया में जिंदगी में रहने के लिए हमारे वास्ते शिव संकल्प है, ख्याल की दुनिया है ये। और अगर इस दुनिया से पार जाना चाहते हो तो मन से परे जाओ। तो संतों का मार्ग है सिर्फ निवृत्ति मार्ग का, संतों के मार्ग के लिए ये मेला नहीं है। वो तो बंद कमरे में किसी आदमी को नजीयत देते थे, अब तो 10-20,000,000 आदमी होता वहां संत मत की तालीम दी जाती है, फायदा क्या? कौन सुनेगा उस तालीम को? अधिकार नहीं है, संस्कार नहीं है। तो चूंकि मेरे जब मैं ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना, इस वजह से बदले जा रहा हूं कि जो शख्स इस जगत से हमेशा के लिए पार जाना चाहते हैं वो है शब्द और पार ब्रह्म को पकड़ो। और क्या यह गलत है? अरे तुम अपने हिंदुओं को देखो, जब आदमी मर जाता है उसके समय दीवा रखते हैं कि नहीं रखते? 10 दिन दीवा बालते हो कि नहीं बालते? फिर जब बूढ़ा मर जाता है तो फिर क्या होता है? कड़ियाल चलता है, शंख बजता है, साथ जाते हैं कि नहीं जाते? वो क्यों जाते हैं? मरने वाले को यह यकीन कराया जाता है कि तेरा असली घर जो है ये शब्द और प्रकाश है, इस वास्ते उसको दिया जाता है। निवृत्ति मार्ग और है प्रवृत्ति। आप मेरे पास सत्संग में आए, अब मैं सोचता हूं मैं आपको क्या दूं। मैं चेतावनी देता हूं, दो चीज को बताता हूं कि अगर पार जाना चाहते हो तो अपना इष्ट क्या रखो? प्रकाश और शब्द। मगर तुम प्रकाश को पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मन विषय विकार का है, तुम्हारा मन विषय विकार का है। हमारे हिंदू शास्त्र में क्या लिखा अब देखो सही, साइंस से मैंने साबित कर दिया, पहले बच्चा पैदा होता है 25 साल ब्रह्मचारी रहो भाई, फिर विवाह के आगे 2-4 बच्चे पैदा कर, फिर वानप्रस्थ रहो, वोडी तेरे को रवे, मगर तू वोडी नहीं समझनी, संन्यास आ जा, घर छोड़ दे भाई, फिर तिन्नत देने को ज्यादा तो किसी आश्रम से रहना नहीं, क्यों? ताकि उसका मोह ना पड़े। वही बात साइंस कहती है, वही ये कहती है, वही वो कहता है, फर्क तो है कोई? मैंने कोई कसर आपको समझाने में छोड़ी, साफ रखो नियत को, बस कुछ नहीं तुमसे बनता, सिर्फ अपने जाती गर्ज के लिए किसी के साथ हेरा फेरी मत करो, बस मेरे ख्याल में कोई धर्म कर्म करने की जरूरत ही कोई नहीं, सब बीच में आ गए। बाप तो नियत पर है ना, जब हम अपने लिए ही कोई किसी को तंग नहीं करते तो फिर हमें पाप कहता क्यों? दुर्गिया झूठ है, जब मैं अपने लिए ही कोई हेरा फेरी नहीं करता तो मैं पाप क्यों करूं? पाप किस बात का नाम है? नहीं को पाप है ना कोई आरती कर दिया आपको समझाने में छोड़ी, साफ रखो नियत को, बस कुछ नहीं तुमसे बनता, सिर्फ अपने जाती गर्ज के लिए किसी के साथ हेरा फेरी मत करो, बस मेरे ख्याल में कोई धर्म कर्म करने की जरूरत ही कोई नहीं, सब बीच में आ गए। बाप तो नियत पर है ना, जब हम अपने लिए ही कोई किसी को तंग नहीं करते तो फिर हमें पाप कहता क्यों? दुर्गिया झूठ है, जब मैं अपने लिए ही कोई हेरा फेरी नहीं करता मैं पाप क्यों करूं? पाप किस बात का नाम है? नहीं को पाप है ना कोई आरती कर दिया। शरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु वसो चेते
शरण तेरी या मोह